मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और रोहित आ गया ट्यूशन से और बहुत गर्मी है बाहर और अभी अभी रोहित ट्यूशन से आया है। चलो ड्रेस चेंज कर लो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड आफ्टरनून। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं जा रही हूँ अपना लंच बनाने। और आज है संडे और किशन पीछे जो मेरा मैंगो ट्री था उसमें आम तोड़वा रहे हैं। आज एक आदमी को बुला के लाए हैं जो कि आम तोड़ रहा है, क्योंकि आम जो मेरा पेड़ है तो वो पेड़ के एकदम ऊपर तक आम लगता है और पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा तक पहुंच गया है। और जब आम गिरता है टूट के तो आम जो है पूरी तरह से फट जाता है, जो कि बिल्कुल यूज़ नहीं आता और ख़राब हो जाता है। तो किशन ने कहा कि नहीं, अभी आम का साइज अच्छा खासा बड़ा बड़ा हो गया था, तो किशन ने कहा कि नहीं तोड़वा देते हैं और उसको हम लोग रख देंगे घर में, तो वो पक जाएगा। तो हम लोग किसी को दे भी सकते हैं, जैसे हमारे रिलेटिव वगैरह को दे सकते हैं। तो और नहीं तो ऐसे जो हमारे सारे मैंगो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पिछले साल हम लोगों को नहीं पता था। तो मेरा इस घर में शिफ्ट हुए पिछले साल फर्स्ट था जो कि मैंगो आया था ट्री में, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैंगो तोड़वा लेना चाहिए। और सारा मैंगो जो है हवा में बारिश के टाइम सारा गिर के फट जा रहा था और सारा बर्बाद हो गया था। तो इस साल किशन ने कहा कि नहीं, इस साल मैंगो हम लोग पहले ही तोड़वा लेंगे और बाद में इसको रख देंगे तो वो पक जाएगा घर पर ही, फिर हम लोग किसी को दे सकते हैं। तो वही किशन पीछे मैंगो तोड़वा रहे हैं। और अभी अभी मेरे घर पे आई थी पूजा, तो वो अभी कुछ काम से बाहर गई है। और अभी बिट्टू है मेरे घर पे, जिसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, तो बिट्टू खेल रही है रोहित के साथ। और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका था सुबह में, क्योंकि ब्रेकफास्ट में कुछ बनाया नहीं था मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट, हम लोगों ने सबने ब्रेकफास्ट किया था दूध चूड़ा मीन्स दूध और उसके साथ चूड़ा, तो चूड़ा मतलब पोहा, और पोहे को दूध के साथ डाल के और उसको गुड़ डाल के खाया जाता है। और आई डोंट नो कि आप लोग खाते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप लोग दूध चूड़ा खाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमने वो ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी मैंने बनाया है रोटी और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, ये लंच बना रही हूँ मैं। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैंने बन बनाया है पीछे और बहुत गर्मी है। और पूजा अभी चली गई है तो बिट्टू है घर में, तो घर में पूरा रौनक लगा हुआ है, सब लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। रिया और रोहित, रोहित ट्यूशन से आया है, उसके थोड़ी देर के बाद बिट्टू लोग आई थी, तो पूजा चली गई है कुछ लेना था उसको सामान, और बिट्टू हमारे घर पे है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी में बच्चे को बाहर लेके जाना पॉसिबल नहीं था। तो पूजा ने कहा कि थोड़ी देर यहीं वो खेलेगी, तो यहाँ पे है और रोहित उसके साथ खेल रहा है। और 12:30 हो चुके हैं, मैं जा रही हूँ फटाफट अपना लंच बना लूँ, क्योंकि फिर रिया को 2:30 से ट्यूशन जाना है। आज संडे है बट दोनों बच्चों के ट्यूशन रहते हैं मेरे, तो रोहित तो आ गया ट्यूशन से बट रिया को जाना है अभी, तो मैं जाती हूँ फटाफट अपना लंच बना लूँ। और मैंने ये ब्लू वाला नेल पेंट लगाया है, कैसा लग रहा है ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ब्लू वाला नेल पेंट जो मैं उस दिन परचेस करके लाई थी, तो ये लगाया है मैंने। और आज बहुत गर्मी है, मैं जा रही हूँ अपना लंच बनाने। और ये है बिट्टू जो कि अभी अभी आई है और पानी पी रही है क्योंकि इसको प्यास लगा है, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है तो इसको प्यास लग गया है आके, तो वो पानी पी रही है अपना। और ये आप देख सकते हैं मेरा जो मैंगो ट्री है उसमें वो आदमी चढ़ा हुआ है जो कि इस तरह से तोड़ तोड़ के मैंगो को एक थैले में रख रहा है, और फिर ये थैला नीचे गिराता है धीरे धीरे और फिर किशन मैंगो इसमें से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से बड़ा मेहनत लगता है मैंगो तोड़ने में, और ये एकदम ऊपर तक चढ़ा हुआ है पेड़ के, तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंगो तोड़ा जा रहा है मेरा। और ये थैले को रस्सी से बांधा हुआ है, रस्सी से बांध के और ये नीचे गिरा रहा है और इसमें मैंगो भर के, और तब ये गिराता है ऐसे, आप देख सकते हैं
इस तरह से तोड़ने से जो मैंगोज़ हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। और ये किशन नीचे खड़े हैं और टोकरी में डाल लेंगे और फिर इसको घर में रखते हैं। और ये हैं मेरे पेड़ के सारे मैंगोज, आप देख सकते हैं अच्छा खासा बड़ा साइज़ का हो गया है सारा मैंगो। और ये घर में बस पेपर ढक के रख दीजिए तो ये कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में आई थिंक पक जाएंगे। तो इस तरह से एक थैले में जब वो नीचे गिराता है तो पूरा एक टोकरी भर के मैंगो आता है नीचे। तो फिर किशन टोकरी में रखते हैं और फिर थैला वो ऊपर खींच लेता है और मैंगो तोड़ने के लिए। और किशन ये टोकरी का जो मैंगो है इसको घर में रख देते हैं और फिर टोकरी को बाहर ले जाके रखते हैं नेक्स्ट टाइम भरने के लिए। बिट्टू कहाँ छुप गई हो? कहाँ छुप गई बिट्टू? आजा 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 आजा। बिट्टू कहाँ गई? कहाँ गई बिट्टू? भाग गई। बिट्टू, बिट्टू कहाँ गई? क्या है बिट्टू? उटकी, उटकी बिट्टू। ओहो, उटकी। ना 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 ना, क्या है? टेडी बिट्टू का, टेडी टेडी। अच्छा बोलो बिट्टू का टेडी क्या है? बिट्टू बिट्टू क्या है? बिट्टू क्या है? क्या है? ठीक, उसको नहीं लो। कहाँ जा रही हो बिट्टू? और लंच बन गया है मेरा, हरिया ने और रोहित ने तो लंच कर लिया है और मैंने लंच नहीं किया है। मैं और किशन थोड़ी देर के बाद लंच करेंगे क्योंकि अभी तक मैंगो टूटा हुआ नहीं हुआ है, तो वो तोड़वा रहे हैं किशन वहाँ पे बाहर। और बिट्टू के साथ रोहित खेल रहा है अभी और मैं जा रही हूँ रिया को ट्यूशन छोड़ने क्योंकि 2:30 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है ट्यूशन का। तो मैं जाती हूँ रिया को छोड़ के आती हूँ, उसके बाद फिर किशन और मैं दोनों मिल के लंच करेंगे। तो मैं जाती हूँ, पहले रिया को छोड़ के आऊँ। और रिया को छोड़ के आने के बाद बिट्टू की मम्मी आई थी और उसको खाना खिला दी है और मैं उसको सुला रही हूँ, सो नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से सुलाया है मैंने इसे। और थोड़ी देर के बाद बिट्टू सोई हुई थी और फिर उसकी मम्मी उसको लेकर मेरे घर से चली गई क्योंकि शाम हो चुकी थी और उन लोग को वापस जाना था। और अभी बज रहे हैं 7:00 और मैं बना रही हूँ डिनर में चावल क्योंकि चावल खाने का मन था सबको। और ये है मेरा आज का डिनर, थोड़ा सा चावल, एक रोटी और ये आलू भाजा, आलू सोयाबीन की सब्जी, दाल और थोड़ा सा प्याज और हम सब मिलकर खाएंगे मैंगो। तो ये है मेरा आज का डिनर और मैं जा रही हूँ डिनर करने। और ये सब्जी मैंने अभी नहीं बनाई, मैंने सिर्फ अभी आलू भाजा दाल चावल बनाया है
और सब्जी दोपहर की थी तो वो बच... और मैं जा रही हूँ डिनर करने, और डिनर करने का मैं या फिर ज़्यादा टाइम मैं खाने का सूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे फैमिली वाले कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरा ऑन करके खाना खाने में, इसलिए मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ। तो मैंने क्या डिनर बनाया है ये आपको दिखा दिया, मैं जा रही हूँ डिनर करने और मेरा डिनर भी हो गया और मैंने किचन क्लीनिंग का सारा जो काम था मेरा वो भी कंप्लीट हो चुका है। और मैं कर रही हूँ अपनी सोने की तैयारी क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के, आप देख सकते हैं घड़ी, रात के 11:15 बज रहे हैं। और आज का दिन ऐसे ही रहा मेरा जो कि आपके साथ शेयर किया मैंने, और ये रहा मेरा आज का संडे का पूरा दिन, मतलब आफ्टरनून से नाइट तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।